Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 7th class, hope so you all will be fine. Let's see your today's message, Jhoot Nahi Bolna. Students, आज का हमारा मैसेज है झूठ नहीं बोलना. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से गुरेज करना चाहिए. क्लास 7th, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 6, यूनिट टाइटल इज पोल्यूशन एंड आवर टॉपिक इज ट्रांसलेशन. ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट 6 को, वैसे तो हम प्रीवियस कुछ डेज से पढ़ रहे हैं इसकी ट्रांसलेशन को, आज भी हम इसकी ट्रांसलेशन को ही पढ़ेंगे. अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए. इसका पेज नंबर है 69. जी स्टूडेंट्स, हम जो है वो पोल्यूशन के बारे में प्रीवियस कुछ डेज से पढ़ रहे हैं. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा कि पोल्यूशन जो है वो होती क्या है, आलूदगी जो है वो क्या चीज़ है. आलूदगी के बारे में पढ़ा, इसकी जो है वो काइंड्स को डिस्कस किया कि आलूदगी जो है वो किस किस किस्म की हो सकती है. इसकी 3 काइंड्स हमने पढ़ी, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन. ठीक है, हम जो है वो अपनी 2 काइंड्स जो हैं पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, इसे जो है वो डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं, अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. आज हम इसकी 3rd और लास्ट काइंड को पढ़ने जा रहे हैं, फिर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिट की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी. सो, हमारी जो 3rd पोल्यूशन की काइंड है वो है नॉइस पोल्यूशन. मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बुक्स को ओपन कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन इज़ बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशंस. इन्वेंशंस मीन इजादात, मैकेनिकल इजादात. नॉइस पोल्यूशन इज़ बिकमिंग, शोर की आलूदगी, नॉइस पोल्यूशन शोर की आलूदगी बनती जा रही है. एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम, बढ़ता हुआ मसला. ठीक है, जो शोर की आलूदगी है वो बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है. इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशंस, इस मैकेनिकल इजादात के दौर में शोर की आलूदगी बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है. इट्स मेजर सोर्सेज आर, इसके जो बड़े बड़े ज़राए हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं. आर वर्कशॉप्स, वो वर्कशॉप्स हैं. ट्रेन्स, रेलगाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स, कारें, जेट एरोप्लेन्स, जेट हवाई जहाज़, हाई वॉल्यूम रेडियो, बहुत ऊंची आवाज़ से रेडियो, एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन और टीवी की नशरियात हैं. एंड लाउड स्पीकर्स, और लाउड स्पीकर्स. इट्स मेजर सोर्सेज आर वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, जेट एरोप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड लाउड स्पीकर्स. शोर की आलूदगी के जो बड़े बड़े ज़राए हैं वो हैं वर्कशॉप्स, रेलगाड़ियाँ, कारें, जेट हवाई जहाज़, ऊंची आवाज़ से लगाए गए रेडियो, टीवी की नशरियात और लाउड स्पीकर्स हैं. नॉइस पोल्यूशन इज़ बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशंस. इस मैकेनिकल इजादात के दौर में शोर की आलूदगी जो है वो एक बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है. इट्स मेजर सोर्सेज आर वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स, जेट एरोप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड लाउड स्पीकर्स. इसके बड़े बड़े ज़राए वर्कशॉप्स, ट्रेन्स, रेलगाड़ियाँ, कारें, जेट हवाई जहाज़, ऊंची आवाज़ से लगाए गए रेडियो, टीवी की नशरियात और लाउड स्पीकर्स हैं. नॉइस प्रोड्यूसेस, शोर पैदा करता है, सेवरल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, कई नुकसानदेह असरात ऑन आर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर जो है वो शोर की आलूदगी के इंतहाई मुज़र असरात होते हैं. नॉइस प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन आर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ. शोर जो है वो इंसानी जहन और जिस्मानी जो है
इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर कई जो है वो नुकसानदेह असरात पैदा करता करती है। कौन पैदा करती है? शोर की आलूदगी। इट डिस्टर्ब्स स्लीप, ये जो है वो नींद में हलल पैदा करती है। एंड लीड्स टू मैनी नर्वस प्रॉब्लम्स, और कई असाबी मसाइल को पैदा करती है। इट डिस्टर्ब्स स्लीप एंड लीड्स टू मैनी नर्वस प्रॉब्लम्स, ये नींद में हलल और कई असाबी मसाइल को भी पैदा करती है। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड, अचानक शोर, कैन कॉज एक्यूट डैमेज, इंतहाई जो है वो तबाह कर देता है, शदीद तबाही मचाता है। किसके लिए? टू द ईयर ड्रम, कानों के पर्दों के लिए जो अचानक शोर है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस, ये जो है डेंजरस हो सकता है। एंड मे कॉज टेम्प्ररी और परमानेंट डीफनेस, और जो है ये क्या कर सकता है कि आरसी, टेम्प्ररी मीन आरसी, और परमानेंट और मुस्तकिल जो है वो डिफनेस, डिफनेस मीन बहरापन जो है वो पैदा कर सकता है। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द ईयर ड्रम एंड मे कॉज टेम्प्ररी और मेंटल डेफनेस, अचानक शोर कानों के पर्दों के लिए जो है वो इंतहाई नुकसानदेह जो है वो साबित हो सकता है, या अचानक शोर कानों के पर्दों को तबाह कर सकता है। एंड मे कॉज टेम्प्ररी और परमानेंट डेफनेस, और आरसी और मुस्तकिल जो है वो बहरेपन का सबब बन सकता है। क्या? अचानक शोर। नॉइज प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शोर हमारी जो है वो जिस्मानी और ज़हनी सेहत के ज़हनी सेहत पर बेशुमार मुज़र असरात पैदा कर सकता है। इट डिस्टर्ब स्लीप एंड लीड्स टू मैनी नर्वस प्रॉब्लम्स, ये हमारी नींद में हलल और कई असाबी मसाइल को पैदा करता है। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द ईयर ड्रम एंड मे कॉज टेम्प्ररी और परमानेंट डेफनेस, अचानक शोर हमारे कानों के पर्दों को तबाह कर सकता है और आरजी और मुस्तकिल बहरापान का सबब भी बन सकता है। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सनत और इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद दौर में, इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल, तकरीबन ये नामुमकिन है, टू गेट रिड ऑफ नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी से बचना, शोर की आलूदगी से छुटकारा पाना। इस सनती और इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद दौर में इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इस सनती और इलेक्ट्रॉनिक्स जदीद दौर में शोर की आलूदगी से छुटकारा पाना नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। हाउएवर, ताहम देयर आर वेज एंड मीन्स, ताहम जो है कुछ तरीके हैं टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस टू अ मॉडरेट लेवल, जो मुनासिब हद तक, मॉडरेट लेवल, मुनासिब हद तक इंटेंसिटी, शिद्दत को, ऑफ नॉइस, शोर की शिद्दत को मुनासिब हद तक कम कर सकती हैं। हाउ एवर देयर आर वेज, ताहम कुछ ऐसे तरीके हैं टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस टू अ मॉडरेट लेवल, जिसकी वजह से शोर की आलूदगी की जो शिद्दत है उसको मुनासिब सतह तक या मुनासिब हद तक कम किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी नॉइस पोल्यूशन, पोल्यूशन की लास्ट काइंड जो आज हमने कंप्लीट कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो यूनिट 6 की ट्रांसलेशन आज कंप्लीट हो गई है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने आज जो काम करना है वो ये है कि फ़र्स्ट पैराग्राफ से लेकर नॉइस, ये जो पोल्यूशन है इसके फ़र्स्ट पैराग्राफ से लेकर लास्ट तक जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सब की ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।